अंतर्मुखी बन, सदा सुखी रहने के लिए। मैं कौन हूँ तो मेरा कौन, मैं मेरा का खेल है। इसके बगैर कुछ बोलचाल होता ही नहीं, कोई भी भाषा हो। मैं और मेरा कहेंगे तो पहले मैं का अभिमान, मेरा में अटैचमेंट है तो बहुत विकार, पर अभिमान और अटैचमेंट जब समझा मैं कौन हूँ ना, तो मैं अंतर अपने आप को समझ, मेरा अंगुली ऊपर चली गई, मैं में अंगुली अंदर चली गई, मेरा में अंगुली ऊपर चली गई। ऊपर एक ही है, सर्व आत्माओं का पिता एक है, जिसको परम पिता परम आत्मा कहेंगे। वो परमात्मा बाप भी ब्रह्मातन द्वारा सारा अपना परिचय दिया। निमित्त ब्रह्मा बाबा को मैंने पहले भी देखा था, वो भी परमात्मा कौन है बहुत उसके जानने की बड़ी खोज में था, मैं भी थी। तो परमात्मा बाप ने ये समय पर जब धर्म की गिलानी है, अधर्म की वृद्धि है, सृष्टि पर पाप और भ्रष्टाचार है, तो गीता में लिखा हुआ है ऐसे समय पर मैं आता हूँ। कौन आता है तो गीता पढ़ते समझ में नहीं आता था, अभी समय अनुसार ब्रह्मा तन में बाप आ करके स्पष्ट समझाया है तू आत्मा है, असल तुम देवता धन वाली आत्मा है। तो अपने घर से यहाँ आई थी तो शुद्ध आत्मा थी, पर चक्कर लगाते लगाते तुम आत्मा पतित बन गई है। पतित पावन परमात्मा बाप, जब सृष्टि पुरानी पतित हो जाती है तो पतित पावन ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, अनंत का सागर, सर्वशक्तिवान, हम आत्माओं को अपनी पहचान दे करके पवित्र बना रहा है। तो आत्मा में पांच चीजें भर जाती है जो हमारी खो गई थी, खाली हो गए थे, परमात्मा से दूर हो गए थे, विकारों की प्रवेशता हो गई थी। तो आत्मा पतित बन गई, परमात्मा सर्वशक्तिवान, हमारे में पांच चीजें ज्ञान प्रेम शांति का सागर, पवित्रता शांति प्रेम खुशी और शक्ति भर देता है। यह है हमारा आपका, मैं तो कहेंगी हमारा, पहले मैं अपना कहती हूँ, आप भी कह सकते हो, हमारा है परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान, जो अंदर ही अंदर कहता है हे आत्मा, अभी तुम मुझे एक परमात्मा को सच्ची दिल से याद करो। देह सहित सब धर्मों को भूल, बातों को भूल, मुझे अपना बनाओ। मैं तुम्हारा माता भी हूँ, पिता भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, सखा भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। मेरा कौन? एक परमात्मा, सर्व संबंध उनके साथ रखो। माता है, वंडरफुल है, जैसी हूँ वैसी हूँ अपना बना लिया। पिता है, किसकी बच्ची हो, तुमको क्या करने का है। शिक्षक है, अच्छी तरह से समझ देता है सच्चाई और प्रेम की, शक्ति भर देता है, कहते ये पढ़ाई तुमको में कमाई है, पर सतगुरु के रूप में श्रीमत देता है, ये करना है, मन मत नहीं चलानी है, परमत्व नहीं चलना है, दुनिया में अनेक मते हैं, तुम एक ईश्वर के डायरेक्शन पर चलो,
पर मुख्य बात वो सखा है। इतना अच्छा अपनी कंपनी देता है हमारे जीवन में परिवर्तन करने के लिए। ऐसे परमपिता परमात्मा को अच्छी तरह से पहचान, पहले जानना होगा, पहचानना होगा। पहचानते हैं ना तो प्राप्ति होती है। तो प्राप्ति से क्या मिला? दुख हरता शांति दाता बाप मिला। अभी हम दुख का लेना देना छूट गया, शांति दाता ने शांति प्रेम का भंडारा भरपूर कर दिया। अभी शिव जयंती आ रही है ना, तो शिव जयंती हमारी गीता जयंती भी, जैसे गीता ज्ञान दे करके हमको परमात्मा राज जो सिखा करके स्वराज का अधिकारी बना रहा है। ओम शांति।
ਹੈ।